PS2 यानी कि पोनियन सेल्वन पार्ट 2। दोस्तों आज हम इसी मूवी का रिव्यू करेंगे, मगर रिव्यू करने से पहले आप एक बार सुन लीजिए कि आपने अगर PS1 मूवी नहीं देखी तो PS2 मूवी आप मत देखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर से जाएगी। जबकि PS1 मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 500 करोड़। ये चीज़ याद रखिएगा कि 500 करोड़ का कलेक्शन किया तो मूवी में कुछ तो दम होगा, कुछ तो बात होगी ना, तो ये मूवी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि PS1 जिन लोगों को अच्छी लगी होगी उनको PS2 बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर मैं मूवी के बारे में बात करूँ तो ग्रांड स्केल पे बनी हुई ये मूवी मास्टरपीस पीरियोडिकल पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है। दोस्तों ऐसी मूवी काफ़ी सालों में कभी कभार ही आती है, तो ये मूवी मिस मत कीजिएगा। अगर मूवी देखनी हो तो पहले पार्ट 1 देखो, उसे कंप्लीट करो, और मूवी देखते वक्त आपको बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ भी करना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते तो कृपया करके ये मूवी मत देखिएगा। अगर आपको एंटरटेनमेंट ओवर द टॉप मासी ऐसी मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको पसंद नहीं आएगी दोस्तों। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो पार्ट 1 जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से पार्ट 2 की शुरुआत होती है। चोला साम्राज्य पे खतरा आया है, बहुत सारे दुश्मन साथ लेके आया है। सत्ता की रेस में गद्दी पे बैठने के लिए कौन कौन कहां कहां से किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करके गेम खेलता है ना, वो देखने में बहुत मजा आता है। पूरी मूवी का अगर असली कोई हीरो है तो इसकी स्टोरी, भाई क्या गजब स्टोरी है इसकी। बाकी साइड में तो सारे कैरेक्टर्स वो सब एक्टर तो सब साइड में हो जाते हैं, इसकी स्टोरी इतनी परफेक्ट और इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आप एक बार इससे कनेक्ट हो गए ना तो आप इसके बारे में तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दोगे। बहुत बढ़िया स्टोरी है इसकी, और इसके ऊपर मणिरत्नम सर का डायरेक्शन लाजवाब है। और अगर इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर है ना दोस्तों, उन सब ने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाया, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या करेगा। इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी, उसके ऊपर जो ट्विस्ट और टर्न इसके अंदर आते हैं ना, भाई गजब है, नेक्स्ट लेवल का आपको फील कराएंगे। ज्यादातर शूटिंग रियल लोकेशन पे शूट की है, इसीलिए आपको देखते वक्त बहुत मजा आएगा, और सभी एक्टर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया इसके अंदर। फिर चाहे ऐश्वर्या हो या कार्थी हो, विक्रम हो या जयम रवि हो, त्रिशा हो या प्रकाश राज हो, सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर। ये मूवी के अंदर आपको पॉलिटिक्स ड्रामा लव रिवेंज इमोशन गुस्सा खून हर तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर मुझे पर्सनली कोई चीज पसंद आई हो तो इसके अंदर जिस तरह से विक्रम और हमारी ऐश्वर्या राय इन दोनों के जितने भी मोमेंट आते हैं ना, वो देख के भाई आप कहोगे भाई क्या एक्टिंग की है दोनों ने, और उसके ऊपर जो डायरेक्शन किया है हमारे मणिरत्नम सर ने, वो लाजवाब है। प्रोडक्शन वैल्यू भी मूवी की बहुत ज्यादा है, फिर चाहे आर्ट डिजाइन हो या सेट डिजाइन हो, लोकेशन हो या BGM हो या सिनेमाटोग्राफी हो, साथ में बहुत अच्छा डायरेक्शन है इसका, और AR रहमान सर का म्यूजिक बहुत अच्छा है इसके अंदर। ओवरऑल दोस्तों मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू पोनियन सेल्वन मूवी पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जो सही लगे वो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।